हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाई का नाम है सूरज और आप देख रहे हैं द जाट्स ऑफ ब्लॉग्स। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ पार्ट टाइम जॉब के जितने भी पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स मतलब कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर आप यहाँ पर आते हो तो आते से ही भाई सबसे पहले ये आप तो डाउनलोड कर लो या इन पर अपना सर्च स्टार्ट करो। बहुत सारी वीडियोज है यूट्यूब पर, मेरे को पता है कि भाई किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यार कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके बारे में वीडियोस नहीं है। लास्ट में भी एक दो ऐप्स मैं बताऊंगा या फिर एक दो ऑनलाइन पोर्टल में बताऊंगा जिन्हें ऑनलाइन पोर्टल मतलब आप लैपटॉप पर भी खोल लो, फोन पे भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ फोन में एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर कुछ बच जाएंगे तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आते से दिक्कत क्या होती है भाई, ढूंढने लगते हैं इधर उधर। तो ऐसा है कि अगर जब तक आपको नहीं मिले तो आप कोई भी जॉब पार्ट टाइम कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं खाली बैठे हो। या जैसे ही आते हो आप, आपको किस दिन से आप यहाँ जॉब स्टार्ट करते हो पार्ट टाइम, किस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, जब से आपको जो ब्लाट मिलती है, ऑफेंटास्टिटल ब्लाट करके एक होती है, आपकी ग्रीन कलर की एक पर्ची होती है, आपको ऑफेंटास्टिटल जो मिलता है वो तो बहुत बाद में मिलता है लेकिन वो आपको मिल जाती है। तो उसके बेसिस पे उस पर लिखा होता है कि हाँ आप 240 हाफ डेज काम कर सकते हो। तो वो आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आप जहां भी जिस जगह भी जाओगे आपको वो शो करनी पड़ेगी, तभी आपको वो लोग काम देंगे। तो भाई पार्ट टाइम जॉब किस तरह से सर्च करना है, कौन कौन सी वेबसाइट है, तो सबसे पहले अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो वीडियो में थोड़ा सा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी खुद एक स्टूडेंट जॉब सर्च कर रहा हूँ। स्टूडेंट जॉब जो स्टूडेंट जॉब होती है वो मतलब सेम ही होती है यार ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब जो लोग करते हैं वो करते हैं कि भाई किसी स्टोर में लग गए या फिर मैकडोनल्ड्स में कर रहे हैं या फिर लिडल हो गया और लिडल उसके बाद रेवे हो गया। रेवे लिडल ये जो होते हैं ये ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स मतलब कि वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस जो सामान आता है जैसे कि जितना भी ग्रोसरी आइटम्स आते हैं, किराना सामान आता है ना, वो आपको जमाना है वहाँ, ठीक, और कुछ नहीं करना, ठीक है। डिलीवरी जॉब्स बहुत सारी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ये सारे ऐप्स ट्राई किए हैं, मैं खुद जॉब्स के लिए इन्हीं ऐप्स के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा इनके साथ। तो मैं और कुछ ऐसा नहीं है कि पे हुए अपन इतने बड़े यूट्यूबर भी बनने कि ये अपने को ऐप पे करेंगे कि भाई हमारा बनाओ, नहीं, मेरे खुद ने जो पर्सनली एक ग्राउंड लेवल पे मैंने जो स्टार्ट किया है सर्च वो इसे पे किया। मतलब कि आपको अगर किसी ऑफिस में भी स्टूडेंट जॉब चाहिए, स्टूडेंट जॉब ऑफिस में का मतलब मेरा ये है कि आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका टेक्निकली आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो या फिर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, एमएस एक्सेल वगैरह आपकी जो भी कैपेबिलिटीज है उनके बेसिस पर आपको वहाँ जॉब मिली है। ऐसा नहीं कि आप लागर में काम कर, लागर में मतलब किसी स्टोर में काम कर रहे हो या ये काम कर रहे हो। तो मैं सबको पहले से यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर यहाँ आते हैं तो सबसे पहले ट्राई करो कि ये वाले जॉब ढूंढो, कौन सी, स्टूडेंट जॉब, जो कि आपको ऑफिस में इजिली मिल जाए और इजी मिल जाती है अगर आप अपना सर्च कंटिन्यू रखते हो। तब तक अगर आपको नहीं मिलती है तो आई सजेस्ट यू कि आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर लो, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स में है, मैकडी में है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको जब तक जॉब मिलेगी तो आप सिर्फ वेट करोगे। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं तो जो पहली वेबसाइट है, पहली वेबसाइट मैं बता रहा हूँ कि आपकी पहली वेबसाइट है वो ग्लास डोर है। इस पे भी काफी सारी जॉब्स होती है, जैसे कि जॉब सर्च में डाल दो, अब मैंने क्या डाला है, मास्टर अरबाइट पीवी इन डॉचलैंड। इसका मतलब ये उस टाइम में थीसिस वगैरह इंटर्नशिप ढूंढ रहा था उस टाइम का ये, और अब थीसिस मिल गई है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं सर्च करता हूँ पार्ट टाइम जॉब्स, कहाँ पर जॉब्स, उंटरनेमन मतलब की कंपनी वगैरह कौन सी है, गहल्टन इंटरव्यूज वैसे ये सब छोड़ो, कहाँ पर, हांबुक में, यहाँ प्लेस डाल दिए मैंने। अब प्लेस डालने के बाद आपको जो लॉ, जी लॉ, अब ये वाला जो, ये वाली जो विंडो आई है, ये वाली विंडो आपको ये बता रही है कि भाई साहब आप यार मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये ना आप इग्नोर ही करो, छोड़ो। तो ये इतनी सारी जॉब्स है, वैक स्टूडेंट, मैं इसके बारे में जो स्टूडेंट जॉब बोल रहा था ना, मैं वो ये बोल रहा था कि आपकी वैक स्टूडेंट मीडिया मैनेजमेंट है फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये इस जॉब के लिए आपको मेल्स चालू करने हैं, नहीं करने कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है, तो आप एक्टिवेट कर दो अगर आपको पसंद है तो। और मैं रन साइगन करूंगा तो आपको यार ये अगर आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज कहाँ से चेंज कर सकते हो वो देखना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा वीडियो में एक एक अगर डिटेल में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। आप इस पर और रिसर्च करना, आपको मैंने वेबसाइट बता दी है तो आप इसमें और चीजें सर्च कर सकते हो। अब जैसे ये पहला सेंटेंस में दिया डाइना आउफगाबन, आपका क्या 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 काम होगा, आपकी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, मतलब यार अप्लाई करो, इजी है, मिल जाएगी, कोई इतना ज्यादा
बड़ी चीज है नहीं, आपका जो सर्च होना चाहिए वो बस सही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि फ्लिंक, फ्लिंक जो है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पर आए तो जरूरी नहीं कि आपको जो वैक स्टूडेंट है वो मिल ही जाएगी, डायरेक्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर ऐसी जॉब्स करना है, फ्लिंक जो है वो एक नया स्टार्टअप है यहाँ पर, और ये डिलीवरी जॉब प्रोवाइड करता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो 10.50 यूरोस पर आर होती है। तो बहुत सुटेबल है और बहुत, मैं तो ये कहूंगा कि अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप पर्टिकुलर टाइमिंग अपनी सिलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आपको वो जॉब प्रोवाइड करते हैं, ये भी काफी अच्छी है। तो ऐसे ये सारी जो जॉब्स हैं वो आप फिल्टर्स भी अलग अलग लगा सकते हैं। फिल्टर्स जैसे कि ये 50 किलोमीटर लगा रखा है तो मैं 10 किलोमीटर लगा दूंगा, और 10 किलोमीटर के अंदर जो जो जॉब्स हैं वो निकल के आ जाएगी। बस आपको एक चीज करना है, आपको प्रॉपर प्रोफाइल बनानी है और अप्लाई करना है। सेकेंड जो वेबसाइट है, सेकेंड वेबसाइट के बारे में हम बात करेंगे, वो है स्टेपस्टोन। ये भी बहुत कॉमन वेबसाइट है, स्टेपस्टोन पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। स्टेपस्टोन पे भी काफी सारे स्टूडेंट जॉब, जो वैक स्टूडेंट है वो इजीली मिल जाती है। मैं फिर इसी बात पर और जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यार वैक स्टूडेंट करो तो आपका वो सीवी में एड होगा, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन लागर या फिर कोई हार्ड वर्किंग जॉब है या कोई मजदूरी वाली जॉब करोगे तो वो आपके इसमें ऐड नहीं होगी। बस आपको ट्राई करना है, स्किल्स आपको सिर्फ एमएस ऑफिस वगैरह चाहिए तो आपको इजिली ये लोग यहाँ ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए कभी कभी लिमिटेशंस ही होती है कि आपको, अगर आप बड़ी सिटी में हो तो बहुत इजीली मिल जाती है, अगर आप थोड़े से स्मॉल टाउन में हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जैसे कि आप स्टेपस्टोन है तो इसमें फुल साइट, टाइल साइट, होम ऑफिस, अब मैं टाइल साइट करता हूँ, टाइल साइट कर दिया मैंने, उसके बाद आपका फ्यूंस्टेलिगर प्लाट्स पोस्ट लाइट साल, PLZ का मतलब होता है पोस्ट लाइट साल, पहले मैं इसको प्लाट से समझता था बट ये प्लाट्स नहीं है, इट्स पोस्ट लाइट साल, मतलब कि आपका पिन कोड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं हामबुक में जहां पर रह रहा हूँ उसका पिन कोड है 2009, एंड बस आपने ये डाल दिया और किस रेंज में है। तो मैं अगर यहाँ डालता हूँ भाई 20 किलोमीटर की रेंज में मुझे पार्ट टाइम जॉब निकाल के दो, तो ये आपको दे देगा लॉज, इतने सारे आ गई है। ईमेल एड्रेस वगैरह आपको डालना है तो डाल देना, क्योंकि आपको दिन भर में 100-200 ईमेल्स आएंगे कि भाई ये जॉब है वो जॉब है, तो इसलिए वो आपके ऊपर है आपको कौन सी अपना करना है नहीं करना है। मिनी जॉब है हाँ बुक में, एचआर मैनेजर, प्रोजेक्ट, इंटाइल साइट, स्टूडेंट जॉब, स्टीम असिस्टेंट्स, कमी नहीं है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। ये सारी जो ये स्टेपस्टोन वगैरह, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि यार अगर आप फुल टाइम के लिए भी इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो भी ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ अप्लाई आप बहुत इजीली कर सकते हो। और जैसे कि वैक स्टूडेंट, आप ये देख लो JS डॉयचलैंड GmbH, इसमें आप वैक स्टूडेंट हो, अगर वैक स्टूडेंट की जॉब हो तो ये सारा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, कितने घंटे आपको जॉब करनी है, और जैसे कि लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट देखो, दो स्टेट्स उन्स फिर सरकार फ्यूशन स्टूडेंट स्टूडेंट प्रो वॉक ट्यूशन एक्ट विद सेक्शन व त्रेसिश व सो फेफिक्यू, मतलब आपको सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक आपको 15 घंटे एक वीक में यहाँ करना ही करना है। और क्या क्या ये आप यार ट्रांसलेट करके देख लेना या ऊपर से लैंग्वेज चेंज कर लेना तो आपको और ज्यादा पल्ले पड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम, काफी सारी चीजें हैं यार, ये देखो इंग्लिश कॉम्पिटेंस, इंग्लिश वाली अलग से है कि भैया अगर आपको कुछ अंग्रेजी वगैरह में जॉब्स चाहिए तो ठीक है जी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पोर्टल पे जो कि माइन माइन स्टार्ट पॉइंट डे, ये भी काफी अच्छा है। इसमें आपको व्यू शॉप फिंडन, ये जो नीचे आपको पोर्टल्स दिए हैं, ये आपको किस फील्ड में चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें। और उसके बाद अगर वापस से मैं वही यहाँ पोस्ट लाइट, आपको पोस्ट लाइट साल पूछेगा तो पोस्ट लाइट साल आपने को वही अपना डाल दिया हामबुक का, और गुटेन टाग आउस हामबुक, यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो आपको जैसे फ्राई स्टेलन 18,000 जॉब्स, 18,000 जॉब्स हैं हामबुक में, और वो किस फील्ड में है वो देख लो भाई, इतनी सारी फील्ड्स आ गई। ये ब्यूरो वेजन मतलब ऑफिस जॉब चाहिए, या फिर आपको फाइनेंस में जॉब चाहिए, या फिर आपको हिल्स क्राफ्टिगन क्या होता है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे के लिए कोई बुला लेगा। जैसे मुझे, मैं इनकी वेबसाइट पर डाल दूंगा, भैया मुझे एक बंदा चाहिए आज के लिए 2 घंटे के लिए, मैं 10 यूरो उसको 2 घंटे के दे दूंगा,
और घर साफ करना है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो अपनी जॉब पोस्ट करते हैं और आपको कैश में पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भाई नहीं कैश पे करते हैं, तो आप इजीली कैश पे भी यहाँ पर कमा सकते हैं, लेकिन वही है इतना ज्यादा नहीं कि आप अगर फिर इंडिया भेजोगे तो दिक्कत हो जाएगी एकदम। मतलब आप लगे हुए हो सिर्फ जॉब करने, पढ़ने आए हो तो थोड़ा पहले पढ़ लो, उसके बाद आप मिलेगा बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा, वेट करना पड़ेगा। एंड ये देख लो आप जितनी भी आपका स्क्रीन पे अगर दिख रहे हैं ये सारी ब्रांचेस हैं, इन सारी ब्रांचेस में आपको जॉब्स चाहिए। तो ऐसा है कि आप जब फुल टाइम में भी अगर आप एक पर्टिकुलर स्टाइल है, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब पर जाते हो, उसकी अगर आपका उसका अनसाइकल देखते हो, मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो उसके अंदर भी लिखा होता है कि ये फुल टाइम भी अवेलेबल है और टेल साइड भी अवेलेबल है, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों अवेलेबल है। तो आप इन दोनों आप अप्लाई करो और उनसे बोलो कि मुझे टेल साइड करना है, मैं सिर्फ 20 घंटे एक सप्ताह में अवेलेबल हूँ, तो आपको वो उस हिसाब से आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। अब तो मैं और डीप में इसके जाऊंगा नहीं, अब खुद अब रिसर्च कर लेना, मैंने आपको माइनर स्टार्ट पॉइंट डे वेबसाइट बता दी है, जाओ सर्च करो। और सिंपल फिर आता है इंडीड, जो कि हमारे इंडिया में भी बहुत फेमस है। इंडीड में भी जैसे कि मैंने अगर मान लो मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग आती है सपोज, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी डाल रखा था मेरा पोस्टलाइट, जैसे कि मैंने बताया है जॉब्स फिंड, लो जी आ गई इतनी सारी, वर्किंग स्टूडेंट पाइथन जावा स्क्रिप्ट, वर्किंग स्टूडेंट, वर्किंग स्टूडेंट, वर्किंग स्टूडेंट। जैसे मैं पहले खोल के दिखाता हूँ आपको कि पहले में क्या है। अब इनने साफ साफ दिया है इधर वर्किंग स्टूडेंट चाहिए इनको, ठीक है, और वर्किंग स्टूडेंट चाहिए, लेकिन इन्होंने बेस्क्राइबिंग वगैरह पूरा सब दे रखा है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, जावा बाय एक्सपीरियंस होना चाहिए, पाइथन डी जेंगो, और ये अलग अलग इसके मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिन्हें नहीं पता एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफी आजकल विकसित है, तो वो आना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर स्टूडेंट हो आप, तो किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल है वो भी लिखा है, 16 से 20 घंटे प्रति सप्ताह, यू शुड बी अवेलेबल 16 to 20 आवर्स अ वीक, एंड आफ्टर दैट आपकी जो जॉब है वो कब तक है, आपको कब तक करना है, सारी चीजें दी हुई होती है। यहाँ पर भी आप जॉब ढूंढ के हर एक जॉब के अंदर जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। श्निट्स्टेलर बहुत सारी है, एनालिस्ट, मार्क फॉर्शन, प्रैक्टिकांट, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस वालों के मैंने देखा है कि आप इंडिया से भी अगर अप्लाई करो ना और आपकी जर्मन स्ट्रांग है तो फायदा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो स्टेलन अनसाइगन पॉइंट डी ए, ये भी काफी बढ़िया वेबसाइट है। स्टेलन अनसाइगन पॉइंट डी ए पे मैं फिर से डालता हूँ पार्ट टाइम एंड माय प्रोफाइल साथ। लो जी आ गई जी इतनी सारी, जहां आपको करना है वैक स्टूडेंट, वैक स्टूडेंट, वैक स्टूडेंट, वैक स्टूडेंट, वैक स्टूडेंट। साथ में मैं आपको आखिरी के वीडियो के आखिरी में भी एक चीज बताऊंगा कि मैंने खुद ने जो अप्लाई किया है कि आपको एकदम से जॉब चाहिए, अगर आपको मिल नहीं रही है, वैक स्टूडेंट की भी जॉब नहीं मिल रही है, तो आप उमजुक्स हेल्पर हो गया या फिर आपका गार्टन हेल्पर हो गया। उमजुक्स हेल्पर मतलब कि आप किसी बंदे को हेल्प करें, सपोज मैंने अभी मूव करना है, मूव करना इन द सेंस मेरा सारा सामान मुझे कहीं और शिफ्ट करना है, उसके लिए वो बोलते हैं कि मुझे 2 बंदे चाहिए और दिन भर के लिए या फिर 4 घंटे के लिए चाहिए, मैं उन्हें 15 यूरो 1 घंटे का दूंगा। 15 यूरो मतलब 60 यूरो आपके इजीली बन जाएंगे, आपको सिर्फ जाना है, उसकी सामान में मदद करनी है, टेबल उठा के रखना है नीचे या फिर आपको लोड करवाना है सामान एक तरीके से। तो वो भी जॉब्स होती है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और उसका प्रूफ भी दूंगा कि भाई ऐसे रोज ईमेल्स आते हैं आपको कि आपको करना है तो बोलो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। फिर जैसा कि ये स्टेलन अनसाइगन पॉइंट डी ए जो है, इसके अलग अलग आप फिल्टर लगा लोगे तो फिल्टर लगाने के बाद आपको बहुत सारी आपको मिल जाएगी कि भाई वो यार आपने नॉर्मल सर्च किया होगा, टाइल साइट हो गई, उसके बाद मुझे ऐसी जॉब्स बताओ जो कि पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर पब्लिश हुई है, तो आप फिल्टर लगा दोगे तो ये जॉब्स आ गई भाई पिछले 30 दिनों के अंदर जो जो आई थी। फरकॉयफर, गेजुंडहाइट्स। फिर बात करते हैं जॉब एंड टैलेंट की। जॉब एंड टैलेंट ये वाली जो एप्लीकेशन है, मैं ये बोलूंगा कि आप फोन में डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ आपको, और ये भी स्पेशली बता रहा हूँ कि अगर आपको आते से ही जॉब करना है, लागर हेल्पर या फिर जितने भी मजदूरी वाली जॉब्स हैं, पैसा मिलता है कहीं 12 यूरो कभी 11 यूरो, मतलब अगर आप स्मॉल टाउन्स में जा रहे हो तो ये एप्लीकेशन बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि वहां पर आप जब इसमें एप्लीकेशन में लॉग इन करोगे तो
आपके पास कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई ये टाइम से आपके अब आपके पास ये काम रहेगा और ये टाइम पे आपकी अवेलेबिलिटी हमें चाहिए, तो आप अवेलेबल है या नहीं है। इसमें भी आप अलग अलग जर्मनी के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो स्टेट्स में आप देख सकते हो ये वाला, जैसे कि मैंने यहाँ वापस से सिलेक्ट कर लिया फ्राई हामबुक स्टार्ट, 5 ओपनिंग्स अभी तक है, लीफ फारर और ये सब और स्टूडेंट वगैरह। तो यार आप ये भी काफी अच्छा है, पर लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा इसको फोन में डाउनलोड करो और फोन में देखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बारे में बात कर रहा था, अब इंटेलिजन जॉब रूफ, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, यहाँ जो जॉब पोस्टिंग्स होती है वो स्टूडेंट के लिए ही होती है, ठीक है। अब इंटेलिजन में मैं डालूंगा मुझे किस किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं उमजुक्स हेल्पर की भी जॉब कर सकता हूँ, मतलब कि मैं सामान इधर उधर ढोने, सामान ढोना नहीं है ठीक है, सॉरी, सामान शिफ्ट करने वाली मैं भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ऑफिस में भी मदद करवा सकता हूँ। ऑफिस में मदद इन द सेंस कि आपका आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो बंदे वहां जॉब करेंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाने होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मैनेज करना है कि भाई इस बंदे का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस बंदे का ये है, मतलब ऑफिस वर्क होता है पूरा, आपको पेपर्स वगैरह उनका सारा डेटा मैनेज करना होता है, एक्सेल शीट्स बनानी होती है, प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं और ये सारी चीज। ब्यूरो में आपका प्रैक्टिकेंट हो गया, ट्रेनी हो गया, वैक स्टूडेंट हो गया, हार्डवेयर, बाउ हेल्पर, बाउ हेल्पर मतलब कि आपको यहाँ पर अलग अलग साइट्स होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको जाना होता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको वही यार ईट पत्थर उनको देना होता है और जो भी वो काम बता दें, मतलब ये थोड़ा हार्ड वर्क होता है, लेकिन हाँ पैसे बन जाते हैं। मैं ये ऑप्शन आपको तब दे रहा हूँ जबकि आपको बिल्कुल ही भाई कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आप एटलीस्ट स्टार्ट करो। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आते से यार आंख बंद करके, चाहे आप रोज 4 घंटे करो लेकिन स्टार्ट कर दो, अगर आप बड़ी सिटी में हो तो बहुत इजीली मिल जाएगी आपको जॉब। फिर हाउस हाल्ट वगैरह, मतलब ये अलग अलग इसके हैं कि आपको नाखिल का भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जो बंदे यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप प्राइमरी क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन आपको बस अपना खुद का सर्च करना है, ठीक है, सर्च पूरा आपके ऊपर है, अगर आप सर्च करोगे मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। नाखिल्फो में भी आपको काफी अच्छा पैसा बनता है, 15 यूरो पर आर के हिसाब से, 16 यूरो पर आर के हिसाब से, बहुत अच्छी चीज है ये भी। अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको, आपको ये चीज बता दूंगा, जैसे कि मैंने उमजुक्स हेल्पर में मैंने सारा ये सिलेक्ट किया था और इन्हें नोटिफिकेशन चला गया कि हाँ भाई इसको उमजुक्स हेल्पर में चाहिए, या फिर तो इनके पास अभी जो अगर उमजुक्स हेल्पर में अवेलेबल है तो मेरे पास जिस तरीके से मैं मेल आया है वो आपको बता देता हूँ। ये देखो इस तरह से कुछ ईमेल आता है, इंटेलिजेंट जॉब उमजुक्स हेल्पर कब, 18 अगस्त को 2 घंटे के लिए हमें जरूरत है, ये एड्रेस दे देंगे और इसके अंदर आपको अलग से ये आपकी चीज बता दें कि भाई ये 2 घंटे के लिए आप आ सकते हो क्या। उसके बाद वेयर हैवन एन इंटरेसेंटन जॉब ऑन गेमोट उम्जुक्स हेल्पर, इसके बाद जो ये चीज लिखी है ना, ये लिखा है उम्जुक्स हेल्पर आम आप्सेंटन आप्टन, मतलब कि इस लाइन का मतलब सिंपली बता देता हूं कि 18 अगस्त को हमको 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कोई बंदा चाहिए जो कि हमें हेल्प करवा सके। कितनी दूर है आपके यहाँ से, 11 यूरो प्रति घंटा मिलेगा आपको, और उसके बाद काम क्या होगा, काम थोड़ा भारी होगा, मतलब आपको सामान जैसे शिफ्ट करवाना, मतलब सेकंड फ्लोर पे रह रहा हूँ मैं तो मुझे मेरी फ्रिज शिफ्ट करवाना है, या फिर पलंग बेड वगैरह जो है मुझे लोड करवाना है, तो उसके लिए मुझे बंदे चाहिए होंगे, तो वो बस आपको हेल्प करवाना है, ऐसा नहीं आपको बोल दिया भाई फ्रिज उठा के खुद ले जा अकेले जा, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद जो आउट सालूंगे, आउट सालूंग मतलब आपको वो पे कैसे करेंगे, वो पे करेंगे 12 आउट सालूंग, 12 आउट सालूंग मतलब आपको कैश देंगे, ठीक है, मतलब और वो बोलेंगे कि हाँ बातचीत करने के बाद जो भी है जिस तरह से आपको पैसा लेना है आप ले सकते हैं। तो ये थी कुछ वेबसाइट्स जो कि आई होप आप इस पर सर्च करेंगे और आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और इंफॉर्मेटिव आपको लगी होगी, आई एम 100% श्योर, और लगना भी चाहिए क्योंकि ये वेबसाइट्स काफी ज्यादा अच्छी है पार्ट टाइम जॉब सर्च के लिए, और इवन नॉट इवन पार्ट टाइम जॉब, अगर आप नॉर्मल जॉब भी सर्च कर रहे हैं डिग्री के बाद, यहाँ पर डिग्री के बाद, या फिर इंडिया से भी सर्च कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल वेबसाइट्स रहेंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद नहीं भी आया हो तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में तो मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि भाई क्या दिक्कत है।
कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, जहां तक होगी अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो फॉर श्योर आई विल रिप्लाई। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड।